दोस्तों पिछले साल कोरोना वायरस और इंटरनेट बहुत ज़्यादा एक साथ बढ़े। पहले कोरोना वायरस बढ़ा, उसके पीछे पीछे इंटरनेट बढ़ता गया और आप लोगों का कन्फ्यूजन भी बढ़ता गया। तो एंटरटेनमेंट, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बहुत ज्यादा लोगों की इंटरनेट कंजप्शन बढ़ चुकी है। तो दोस्तों बहुत कन्फ्यूजन बढ़ गई है, प्रीपेड रखें पोस्टपेड रखें, प्रीपेड में कौन सा प्लान रखें पोस्टपेड में कौन सा प्लान रखें, तो आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडिया की दो सबसे बड़ी कंपनीज एयरटेल जियो। और दोस्तों अगर बात करें वी की तो अभी बहुत अंडर टेस्टिंग है, उसके लिए हमें थोड़ा और समय चाहिए होगा। और दोस्तों अगर आप एंड तक रुकोगे अब ये मस्ट टिप मिलेगी प्रीपेड प्लान्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं हैवी डेटा यूजर्स की, कि वो डेटा यूजर्स है जो एचडी में अपना कंटेंट देखना पसंद करते हैं। तो अगर हम बात करें जियो की तो इसमें आपको कुल 3 प्लान्स अवेलेबल हैं, दो इसमें 28 डेज के और एक 84 डेज का है। तो 28 डेज में आपको दो प्लान देखने को मिलते हैं, तो एक है 349 का नॉर्मल प्लान और दूसरा है 401 का हॉटस्टार प्लस डिज्नी वीआईपी वाला प्लान। तो इस 401 वाले प्लान में आपको एक साल का डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी मिल जाएगा, बट जो आपको डेटा मिल रहा है 3GB पर डे वो आपको 28 दिन के लिए ही मिलेगा। तो जो नेक्स्ट प्लान है 84 दिन का, वो है 999 का, 1000 रुपीज का ही मान लो क्योंकि एक रुपया कोई वापस नहीं करता आजकल। तो अगर हम बात करें अब एयरटेल की, जिसमें भी आपको 3 प्लान देखने को मिलते हैं, बट इसमें 220 डे वाले प्लान और एक 56 डे वाला प्लान है। तो जो 20 डेज वाला प्लान है वो दोनों प्लान 50-50 रुपीज एक्स्ट्रा है जियो से। तो एक पड़ेगा आपको 398 का और एक पड़ेगा आपको 448 का, और 448 वाले में आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी मिलेगा। और जो इसमें लास्ट प्लान है वो है 56 डेज का, वो आपको 558 का पड़ेगा। अब अगर आप कंपेयर करें 56 और 84 वाले प्लान को 3GB पर डे में, तो आपको टेक्निकली एयरटेल इसमें सस्ता पड़ेगा पर डे के हिसाब से, जिसमें आपको 996 का पड़ेगा और जो जियो वाला है आपको 11 समथिंग पड़ेगा पर डे। नेक्स्ट हमारी लिस्ट पे हैं इंटरमीडिएट यूजर्स। ये वो यूजर्स हैं जो बहुत ही कम स्ट्रीम करते हैं कंटेंट, और करते हैं तो 480p में करते हैं। तो अगर हम इसमें प्लान्स देखें तो आपको एयरटेल और जियो दोनों में 28 डेज, 56 डेज, 84 डेज और 365 डेज के लिए प्लान्स देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं जियो के प्लान्स की, तो जो 20 डेज का वो आपको पड़ेगा 249 का, इसमें आपको 2GB पर डे है, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। तो नेक्स्ट प्लान है 56 डेज की, इसमें आपको दो प्लान्स देखने को मिलते हैं, एक है नॉर्मल और एक है डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी के साथ। नॉर्मल वाला है आपका 444 और जो आपका डिज्नी प्लस हॉटस्टार वाला है वो आपका 598। नेक्स्ट है 84 डेज का 599 का, ये एक ही प्लान है, इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और जो लास्ट है वो है 365, मतलब पूरे एक साल के लिए एक बार रिचार्ज कराओ और टेंशन खत्म करो अपनी, तो वो है आपका 2399 का और एक है 2599 का। तो 200 रुपए एक्स्ट्रा देके आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी मिल जाएगा। तो अब अगर हम इसे कंपेयर करते हैं एयरटेल के साथ, तो इसमें सारे प्लान्स ऑलमोस्ट एक्सपेंसिव ही हैं, एक्सेप्ट जो 56 डे वाला प्लान है वो 5 रुपए एक्सपेंसिव है। प्लान्स बता देता हूं आपको, तो आपको 20 डेज के दो प्लान देखने को मिलते हैं, तो एक है 298 का और दूसरा है 349 का। 349 वाले में आपको Amazon Prime मेंबरशिप मिल रही है। तो नेक्स्ट है 56 डेज का, ये आपको पड़ेगा 449 का, बहुत सस्ता प्लान है, ले लें। नेक्स्ट प्लान है 84 डेज का, वो आपको 698 का पड़ रहा है, ये नियरली 100 रुपीज एक्सपेंसिव है अपने जियो काउंटर पार्ट से। तो जो साल भर के इनके पास दो ऑप्शन है, एक है 2498 का और एक है 2698 का। तो जो मोर एक्सपेंसिव वाला प्लान है इसमें आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार देखने को मिलता है। अब जियो और एयरटेल में जो आपको 365 डेज वाले प्लान मिल रहे हैं, जिसमें आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार मिल रहा है, मुझे पर्सनली वर्थ इट नहीं लगा, क्योंकि इसमें आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं और ये इतना भी नहीं है। आप सस्ते वाले प्लान में एक बार ले लो, एक साल के लिए मिल जाता है, उसके बाद अपनी मर्जी से रिचार्ज कराते रहो। तो दोस्तों जो नेक्स्ट प्लान है ये है जो सबसे ज्यादा करते हैं लोग, 1.5 GB पर डे, मोर देन एनफ होता है ज्यादातर लोगों के लिए। तो जियो के जो प्लान्स हैं काफी ही सिंपल प्लान्स हैं, इसमें आपको 4 वैरायटी देखने को मिलती है, वो है 28 डेज, 56 डेज, 84 डेज और 336 डेज, नॉट 365। तो 12 को अगर मल्टीप्लाई करके 28 से तो 336 आता है। तो इसमें जो आपको प्लान्स हैं बहुत सिंपल है, बता देता हूं मैं। तो पहला है 199 का 28 दिन के लिए, दूसरा है 399 का 56 डेज के लिए, चौथा है 555 का 84 डेज के लिए, और जो एक और प्लान है 84 डेज के लिए वो है 777 का। अब इसमें आपको मिलता है डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी। तो पर्सनली मैं इस प्लान को रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि आपको 222 का पड़ रहा है डिज्नी प्लस हॉटस्टार, तो आप एक्स्ट्रा ही ले लो या जो सस्ते वाले प्लान है उनमें ले लो। और जो लास्ट प्लान है वो है 336 दिन, तो वो है आपका 2121 का। अगर आप इन जियो के प्लान्स को देखो तो आप काफी पैटर्न देख सकते हो, 3991995995577721211, तो यू नो मैचिंग करने की कोशिश करी उन लोगों ने। बट हम आते हैं अब एयरटेल पे, दिमाग खराब हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का अगर आप एयरटेल के प्लान सुनोगे, रुको बताता हूँ। तो पहले तो चलो नॉर्मल वालों को साइड हटाते हैं, इसमें आपको कोई भी साल भर वाला प्लान नहीं मिलता, इसमें आपको 84 दिन और 56 दिन वाले मिलते हैं। तो 84 वाला आपका पड़ता है 598 का और जो 56 वाला पड़ता है वो आपका पड़ता है 399 का। अब बात करते हैं जरा 28 डेज वालों की, तो इसे जल्द से जल्द समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, अब मुझे नहीं पता वो कैसे होगा। तो जो आपका जो मोबाइल एडिशन है अमेज़न को जो नया है, वो आपको इसमें सब में ट्रायल वर्जन मिल रहा
है सिवाय एक के, वो एंड में बताऊंगा मैं आपको। और साथ ही साथ विंक म्यूजिक और हेलो ट्यून्स आपको मिल रही है सब में। अब बात करते हैं इनके डिफरेंसेस की। नेक्स्ट प्लान है 249 वाला, इसमें आपको प्रीमियम मिल रहा है एयरटेल एक्सट्रीम। अगला प्लान है वो है 279 का, इसमें आपको 4 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है। नो पेपर रिक्वायर्ड, नो मेडिकल टेस्ट, कुछ नहीं होगा, आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा, तो थोड़ा देख लेना। अगला है वो है 289 के, इसमें आपको Z5 सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 28 डेज के लिए, जो अगर आप अलग से लोगे तो आपको 99 रुपीस का मिलेगा। और जो इनका लास्ट प्लान है 299 को, उसमें आपको प्रॉपर प्राइम वीडियो मोबाइल एडिशन मिलता है, ट्रायल वर्जन नहीं है, बट इसमें आपको Z5 सब्सक्रिप्शन और 4 लाख का इंश्योरेंस नहीं मिलता। अब अगर आप पर्सनली मेरी मानो, सबसे ज्यादा जो वैल्यू फॉर मनी है वो है 289 का। अगर आप Z5 में अगर आप टीवी शोज वगैरह देखते हो, उसका सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे थे, तो दोस्तों हमने पूरे 5 के 5 प्लान 28 दिन वाले 1.5 GB के डीकोड कर दिए, तो हमारे लिए थोड़ी सी तालियां बजनी चाहिए दोस्तों। धन्यवाद। और जो बिल्कुल एकदम लास्ट यूजर है हमारे 1 GB पर डे वाले, जो बहुत ही मिनिमल यूज करते हैं, मे बी उनके घर में वाईफाई वगैरह है, जो भी है, सबसे पहले 199 का जो एयरटेल का प्लान है, इसमें आपको एयरटेल एक्सट्रीम मिल रहा है, नॉर्मल वाला प्रीमियम वाला नहीं मिल रहा है, जिसमें आपको पूरे 24 दिन के लिए 1 GB पर डे मिलेगा। और अगर हम बात करें जियो की, तो उसमें आपको 149 में 24 दिन के लिए 1 GB पर डे मिलेगा। तो दोस्तों ये तो थे सारे प्रीपेड प्लान। अब मैं इसमें एक चीज बताना चाहूंगा, मेरे को जो एक दुख है मेरा, वो शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हो एयरटेल में, तो इसमें सारे प्लान रेंडमली हैं, कभी कोई कहीं है, कोई कहीं है, किसी का भी, कभी आपको 1 GB वाला बिल्कुल नीचे देखने को मिलता है, कभी आपको 1 GB वाला ऊपर देखने को मिलता है। मतलब दोस्तों दिमाग खराब हो जाएगा अगर आप नेविगेट करो। मे बी इसलिए इन्होंने इतने सारे प्लान डाल रखे हैं, 5-5 प्लान 1.5 GB वाले, ताकि लोग गलती से क्लिक कर दें, लोग कभी नीचे जाए ना, वो प्लान ध्यान ही में नहीं रहे, उनका एक्स्ट्रा थोड़ा पैसा बन जाए। पर्सनली मुझे लगता है, अगर आपको भी ऐसे लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या एयरटेल एक कंजूस कंपनी बनती जा रही है। क्योंकि ऑन दी अदर हैंड जियो ने काफी अच्छे से मैनेज करा है। आप देख सकते हो आपको कौन सा वाला प्लान चाहिए, तो अगर आप 1 GB चाहिए तो आप 1 GB पे क्लिक करो, अगर आपको 2 GB चाहिए तो आप 2 GB पे क्लिक करो, आपके सारे प्लान देखने को मिल जाते हैं। तो अप्रिशिएशन बनती है जियो के लिए, जियो ने थोड़ा अच्छे से मैनेज करके रखा है। लगता है अंबानी जी को अपने घर में भी ऐसी मैस बिल्कुल पसंद नहीं होगी, वो सारा सामान सही जगह पर रखते हैं, तो ऐसा इफेक्ट देखने को मिल जाता है बिजनेस पे भी। तो दोस्तों सारी हमने प्लान्स आपके लिए डीकोड अच्छे से कर दी है, होपफुली आपको थोड़ा कुछ पता चलेगा होगा कि आपको कौन सा प्लान चाहिए, कौन सा आपके लिए अच्छा है। पर से अगर मैं बताऊं, तो अगर आपके उधर जियो के अच्छे नेटवर्क आते हैं तो आप जियो को आराम से चुन सकते हो। अभी बहुत रिसेंटली वी के भी काफ़ी अच्छे प्लान आ रहे हैं, बट उन्हें हम ढंग से टेस्ट करके फिर आपके लिए बताएंगे। अभी मैं अपना सेम जियो से वी कराने वाला हूं, तो उसके बाद आपको अच्छे से बताऊंगा कि कौन सा आपको लेना चाहिए। बट पर्सनली मुझे जियो काफ़ी रिलायबल लगता है, उसकी 4G कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। और आपको मैंने बताया था कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपना प्रीपेड पोस्टपेड में बना सकते हो, ये कोई स्विच करना नहीं है। तो दोस्तों अगर आप उन यूजर्स में से हो जिनका डाटा काफ़ी मैनेज नहीं रहता, कभी आपको ज़्यादा डाटा यूजेज लगता है, कभी कम लगता है, और अगर हमने 3 GB वाला प्लान कराया है तो आपका वेस्ट जाता है, तो मैं आपके लिए एक मस्त सोल्यूशन लेके आ गया हूँ। तो दोस्तों इसमें थोड़ी मैथ इन्वॉल्व है, हमने सारी मैथ आपके लिए कर ली है। तो अगर आप 3 GB वाला नेट रिचार्ज कराते हो और आपका, जैसे मैंने आपको बताया, डाटा बचता है, तो आप क्या करो, आप 199 का जियो का 1.5 GB वाला कराओ 28 दिन के लिए, और साथ ही साथ आप करा सकते हो वर्क फ्रॉम होम जो 151 का है, जिसमें आपको 30 GB मिलता है। तो अगर ऐसे कैलकुलेट करो तो आपको 2.5 GB पर डे मिलेगा रफली, बट जो 30 GB है या आपको एक साथ यूज़ नहीं करना है, बचता जाएगा। तो आप 1.5 GB जैसे करते हो अगर किसी दिन यूज़, तो आपको सिर्फ 1.5 GB करना है, बाकी आपका सारा नेट बच जाएगा। और अगर आपका कभी ज़्यादा लग रहा है तो आप 3 GB से ऊपर भी जा सकते हो। तो अगर आप थोड़ा कैलकुलेट करो और 1.5 GB वाला कराते हो, तो 199 प्लस वर्क फ्रॉम होम का 151 का आपको टोटल 350 का पड़ेगा, जिसमें आपको टोटल डेटा 72 GB मिल रहा है। और अगर आप 2 GB पर डे कराते हो, जो आपको पड़ रहा है 249 का और वर्क फ्रॉम होम 151 का, तो आपको एग्जैक्ट 400 रुपीज़ का पड़ रहा है, 86 GB। पर्सनली मुझे लगता है काफ़ी ही एक क्लेवर वे है अगर आपको अपना डेटा बचाना है, स्प्रेड करना है उसे। तो कभी कभी जैसे लोग पूछते हैं कि उनको ऑनलाइन स्टडीज़ में ज़्यादा लग जाता है, कभी कभी उनकी छुट्टी होती है, क्लासेस नहीं होती, तो उस दिन का सारा नेट बच जाता है। और पोस्टपेड प्लान्स हैं उसमें थोड़ा आपको GST वगैरह लगता है, तो थोड़े महंगे पड़ते हैं। तो ये थोड़ा एक वर्क अराउंड है जियो के लिए, ये चीज़ एयरटेल में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी मुझे एक चीज़ एयरटेल की अच्छी नहीं लगी। प्लस अगर आप जियो ऐप से रिचार्ज करते हो, आपको बहुत बार अच्छे अच्छे वाउचर्स मिलते हैं। अचिन भी 3 GB का कराता है, फिर 3 GB से एक्स्ट्रा मिलता रहता है बहुत बार ही, मतलब ज़्यादातर मिलता ही है। तो इन दी एंड जियो सबसे बेस्ट है। अगर आप जियो को गालियां देना चाहते हो, दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों इन दी एंड काफ़ी प्लान्स हैं, काफ़ी ही क्लोज कंपटीशन है। थोड़ा एयरटेल महंगा है ऑब्वियसली, बट अगर आपके यहाँ जियो के नेटवर्क ही नहीं आते तो सस्ता होने का कोई फायदा नहीं है जियो का, क्योंकि आप चला ही नहीं पाओगे इसे ढंग से। बट अगर आपके यहाँ एयरटेल और जियो दोनों के अच्छे नेटवर्क आते हैं, तो मैं पर्सनली कहूँगा आप जियो में स्विच कर सकते हो, अनलेस आपको कुछ अलग से बेनिफिट्स मिल रहे हो एयरटेल में जो हमने नहीं बताए,
और वो आपको एक यू नो पर्सनल एज आपका पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा करता है। और अगर आपको दोस्तों एयरटेल और जियो की स्पीड का टेस्ट देखना है तो हमने एक वीडियो बनाई है, उसमें हमने वाईफाई डोंगल्स में एयरटेल और जियो की स्पीड कंपेयर करी है। बट उससे आप एक रफ आइडिया लगा सकते हो कौन सा कितनी अच्छी स्पीड देता है। पर्सनली हमारे एरिया में एयरटेल की डाउनलोड स्पीड बहुत अच्छी आती है जियो के कंपेरेटिवली, बट हमें यूट्यूब वीडियोज अपलोड करनी पड़ती है तो जियो की अपलोड स्पीड भी अच्छी आती है एयरटेल से, मतलब काफ़ी ज़्यादा। तो थोड़ा ये मिडिल ग्राउंड है, जैसे आपकी प्रेफरेंस होगी वैसा आप चूज कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना और अगर अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक कर देना, बट कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि आपको वीडियो अच्छी क्यों लगी और अगर अच्छी नहीं लगी तो क्यों अच्छी नहीं लगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसा कंटेंट लाते रहते हैं। मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। भैया चंद क्या एयरटेल को क्या दिक्कत है यार, पता नहीं कितनी मेहनत क्यों की हुई है ऐप। अरे पांच पांच प्लान कौन रखता है 1.5 GB के हैंग कर, सच में लोगों का बेकू बनाने के लिए कोई तो कुछ भी इतना दिमाग खराब हुआ भाई, इतना दिमाग खराब कौन रखता है। चलो भाई चलते हैं।